वहां लिख देना स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप अब आप लोगों को स्ट्रीमिंग दिखाई दे रही है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हो गया टेक्निकल रीजंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही थी, तो मैं माफी चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं अरविंद बोल रहे हैं कि लेट हो गया। कोई अरविंद, मैं बताया आपको कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है हम। चलिए अब जल्दी जल्दी हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईवीएस से रिलेटेड जो है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके सीटीईटी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ केवीएस, एनवीएस और जो बाकी आप स्टेट लेवल की टेट एग्जाम देते हो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को आखिरी तक देखिए। आखिरी में मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको लाइव सेशन में मिल जाएगा। तो बस आपको लाइव सेशन ध्यान से देखना है ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। चलिए, तो आप लोग इस लिंक को जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स वहां शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जब आपके लाइक्स होते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना पाए। नो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि एडुटैब ऑनलाइन एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नाम बन चुका है, और 3,000 से भी ज्यादा बच्चों ने जो हमारी जुलाई की एग्जाम हुई थी उसमें उस एग्जाम को पास किया है एडुटैब के कोर्स के साथ में, और जो सक्सेस रेट था एडुटैब के कोर्स का वो 80% से भी ज्यादा था। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए दिसंबर 2019 की एग्जाम के लिए भी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। इसकी जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है उस पर मिल जाएगी। इसी के साथ केवीएस के लिए भी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं फ्रेंड्स। आपको इसकी डिटेल अगर चाहिए तो आप जो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उस पर क्लिक करना, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर में मिल जाएगी। YouTube पर जो शेड्यूल चलता है फ्रेंड्स उसकी डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं, आप यहाँ पर मैं इसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितने बजे कौन कौन सी एग्जाम के लिए वीडियोस आप लोगों के लिए आते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स एक कोट है आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं, ठीक है। अकबर ने बीरबल से कुछ ऐसा लिखने के लिए कहा जिसको खुशी में पढ़ो तो गम हो और गम में पढ़ो तो खुशी। तो बीरबल ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान में रखिए, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा समय है आप लोगों के पास एग्जाम के लिए, तो फ्रेंड्स ये समझ लेना कि बहुत कम समय आपके पास, ये समय निकल जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तब भी इस कोट को आप लोग ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि चाहे वो खुशी का पल हो चाहे वो दुख का पल हो वो गुजर जाता है। तो प्लीज समय का सदुपयोग कीजिए। वैसे आज हम लेट हो गए हैं, लेकिन आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे रिवीजन करके जो हमारे पुराने वीडियोस थे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मडी वॉटर एज इट कीप्स देयर स्किन कूल। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या ये सही है? मोस्ट एलिफेंट्स लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 आवर्स अ डे। एलिफेंट जो है वो 10 आवर्स सोते हैं, क्या ये सही है? अ 3 ईयर ओल्ड एलिफेंट वेज अबाउट 200 kg। 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है वो लगभग 200 किलोग्राम का होता है, क्या ये सही है? आप लोग बताइए। मोस्ट एडल्ट एलिफेंट्स ईट अबाउट 100 kg ऑफ लीव्स ट्विग्स इन वन डे। एक दिन में वो 100 किलो से भी ज्यादा पेड़ पत्तियां खा लेते हैं। फेब्रवरी 2014 का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तहसीन नाज, मैं बढ़िया हूं। जल्दी आंसर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए, मेरे पास में आंसर आना स्टार्ट हो गया। पूजा जोशी, किरण कुशवाहा, मोना अंकु, सुपर्णा साहा, पल्लवी पाठक, अरविंद। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, पेन पेपर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एलिफेंट है, ठीक है, ये हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस मतलब फ्रेंड्स ये शाकाहारी प्राणी है, ठीक है। एलिफेंट जो है वो एक शाकाहारी प्राणी है, इसको आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आप लोग देख सकते हो कि इसके लार्ज ईयर फ्लैप होते हैं, यहां पर मैं आप देख सकते हो। इससे क्या होता है कि ये जो इसके एयर फ्लैप है ये इसके बॉडी को कूल रखने के लिए, ठीक है, उसके बॉडी टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए मदद करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि इसके बड़े बड़े कान होते हैं। उसके बाद में हाथी जो है वो हमेशा झुंड में घूमते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या कई मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाथी है एलिफेंट वो ग्रुप में घूमते रहते हैं। अब एक ग्रुप में कोई ना कोई एक लीडर तो चाहिए ही चाहिए होता है ना। तो फ्रेंड्स एक ग्रुप में जो लीडर होता है वो हमेशा उस ग्रुप की जो ओल्डेस्ट मेंबर रहेंगी, फीमेल मेंबर, वो उस ग्रुप को लीड करती है। तो मुखिया कौन होती है? महिला
या फिर जो फीमेल एलिफेंट होती है, ठीक है, साधारण शब्दों में हम कहें तो फीमेल एलिफेंट जो है वो उस ग्रुप को लीड करती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए मेल एलिफेंट जो है वो 14 से 15 साल का होए तक उस ग्रुप में रहता है, जैसे ही वो 14 15 साल का होता है वो उस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। अब वो कहा जाता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में आप ये याद रखिए कि जो मेल एलिफेंट है वो 14 से 15 साल तक उस ग्रुप में रहता है, फिर उसके बाद वो उस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। वन एलिफेंट कैन ईट 100 किलोग्राम्स, 1 क्विंटल, ठीक है, 100 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे, एक दिन में वो 100 किलोग्राम तक के जो पेड़ पत्तियां है वो खा सकते हैं, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं सोता, बहुत एक्टिव है, ठीक है, मेहनती है आपकी तरह, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है, ठीक है, 2 से 4 घंटे, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 आवर्स अ डे। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वॉटर, उनको पानी और कीचड़ के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, इससे उनकी जो स्किन है वो कूल रहती है, ठंडी रहती है। यहां पर मैं आप देखिए इस तरीके से ये लोग देखिए कितने मजे से एक नंबर खेल रहे हैं कीचड़ में। तो क्यों करते हैं ये इस तरह से कीचड़ में क्यों खेलते हैं, क्योंकि इससे इनकी जो बॉडी की स्किन है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो उनकी जो स्किन है इसको कूल रखने में, ठंडी रखने में इनको मदद मिलती है, और ये बहुत मजे से कीचड़ में खेलते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है फ्रेंड्स, एलिफेंट जो है वो हर्बीवोरस है, लिख लीजिए, ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर्बीवोरस शाकाहारी है, ग्रुप की जो लीडर होती है वो ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर होती है, ये आपको याद रखना है। मेल एलिफेंट 14 से 15 साल का होए तक ग्रुप में रहता है, एक दिन में ये 100 किलो तक पेड़ पत्तियां खा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सोते नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं, और इनको कीचड़ में पानी में खेलना पसंद है। एक चीज आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि जो एलिफेंट है, जो बेबी एलिफेंट होते हैं, इनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, सिर्फ 3 महीने का होने पर ही इनका जो वजन है वो 200 किलोग्राम तक का हो जाता है। तो ये जो बेबी एलिफेंट है इसका वजन कितना होगा, लगभग 200 किलोग्राम, 200 किलो का एक बेबी होता है, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, चलिए मैं यहां पर मैं पेन से लिखता जाता हूं ताकि आप लोगों को भी याद रखने में आसानी हो जाए। ओके, चलिए देखिए यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो कि ये ठंडे पानी में खेलना पसंद करते हैं, गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, सॉरी, अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे सोते हैं, ये गलत है, ठीक है, 10 घंटे नहीं सोते, ये कितना घंटा सोते हैं, सिर्फ 2 से 4 घंटे, ये मैंने आप लोगों को यहां पर मैं बता दिया है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक, बिल्कुल सही है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते पत्ते झाड़ियां खा लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोग यहां पर मैं टिक करना चाहोगे, कौन फर्स्ट, 10 सेकेंड। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, वन वन देख लीजिए आप कहां पर मैं है, आपका यहां पर मैं देखिए ये 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन में दिया है हमें, ये दिया है, सॉरी यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, सॉरी यहां पर मैं गलत हो गया, 1, 3 एंड 4 जो है वो नीचे वाला आंसर होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है, ये आप लोग कंसिडर कर लेना, 1, 3 एंड 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। यहां पर मैं ये गलत क्यों है, क्योंकि ये 10 घंटे नहीं सोते, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स आप लोग यहां पर मैं देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, पहले ये क्वेश्चन आप लोगों का फरवरी 2014 में पूछा गया था, क्वेश्चन को रिपीट करके सितंबर 2014 में फिर से पूछ लिया गया है, सितंबर 2014 का क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से बताइए कि हाथियों से रिलेटेड कौन सा कथन यहां पर में सही है, 30 सेकेंड का समय आपके पास। थैंक यू पूजा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ओके, टाइम अप। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हाथी जो है वो अपना अत्यधिक समय, अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये गलत है, ठीक है, ये आराम करना पसंद नहीं करते, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये आपको पता था तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। फिर वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते झाड़ियां खा लेते हैं, 2 क्विंटल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, 2 क्विंटल यहां पर मैं गलत है, मैंने क्या बताया आपको, 1 क्विंटल, ठीक है, ये 1 क्विंटल होना चाहिए, 2 क्विंटल यहां पर मैं गलत दिया है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे।
हाथी दिन में 10 से 8 8 से 10 घंटे सोते हैं, ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या है आपका, पॉइंट नंबर 2, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। 2 क्विंटल मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि 1 क्विंटल का मतलब कितना होता है, 1 क्विंटल का मतलब होता है फ्रेंड्स 100 किलोग्राम। तो 200 किलोग्राम का वजन कितना हो जाएगा, 2 क्विंटल, ठीक है, 2 क्विंटल हो जाएगा। तो यहां पर ये बिल्कुल सही है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। तो देखिए हमने एक ही कंसेप्ट के ऊपर में 2 क्वेश्चन कर लिए है। ये फरवरी 2014 का क्वेश्चन था और ये जो है सितंबर 2014 का क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। चलिए बहुत सारे आंसर मेरे पास में आ चुके हैं, वेरी गुड। वॉइस बफरिंग, वॉइस कैसे बफर होती है, वीडियो बफर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स और वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए, बताइए कौन सा कथन सही है। यहां पर मैं इस इमेज को देखिए और बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। निकिता झा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है फ्रेंड्स, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट मुझे थोड़ा समय दीजिए, कुछ आज टेक्निकल प्रॉब्लम है कंप्यूटर में इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी चेक कीजिए फ्रेंड्स, क्या अब आप लोगों को आवाज़ बराबर आ रही है? अगर आप अब आवाज़ बराबर आ रही है तो मुझे जल्दी से बता देना कि आवाज़ बराबर आ रही है आप लोगों को। अभी आज के दिन थोड़ा सा बेर कर लीजिए फ्रेंड्स, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो रही हो, नेक्स्ट टाइम से ऐसी तकलीफ नहीं होंगी। जल्दी से बता दीजिए अब आवाज़ आ रही है बराबर। हाँ चलिए, आई होप अब आवाज़ बराबर आ रही है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हमारा क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर मैं क्या बोला गया है, आप लोगों को यहाँ पर मैं बताया है कि ये जो पहला फिगर है इसके अंदर में 24 घंटे आपको दिखाए गए हैं, मतलब यहाँ 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मैं 6 घंटे तक हम पहुँच गए, मतलब हर जो ये आपको एरिया दिया गया है, हर जो आपको एरिया दिया गया है उसके अंदर में कितने घंटे हो गए, उसमें 2 घंटे हो गए, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे और यहाँ पर में 2 घंटे, ठीक है। तो हर एक जो आपको यहाँ पर में ये एक एरिया दिखाया गया ना व्हील के अंदर में, 2 स्पोक्स के बीच का जो एरिया है वो 2 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां पर मैं आप देखिए, अभी ये 2 घंटे है, ये भी 2 घंटे है और ये भी 2 घंटे है, तो टोटल कितने हो गए, 6 घंटे। तो 0 से आपने स्टार्ट किया, 6 घंटे तक आप पहुंच गए। तो जानवर जो एक्स है, ठीक है, एनिमल एक्स, ये कितने घंटे सो रहा है, 2 जगहों में सो रहा है, मतलब 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 आवर्स। तो जानवर एक्स कितना सोता है, 4 घंटे सोता है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ गया। अब जानवर वाई देखिए कितना घंटा सो रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 6 घंटे, नीचे वाला जो हिस्सा है ये हो गया 6 घंटे और ये हो गया 6 घंटे, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 6 और 6, ये हो जाएगा आपका टोटल 18 घंटे। तो जानवर वाई जो है वो 18 घंटे सो रहा है, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए एक्स जो है वो 4 घंटे सोता है जबकि वाई जो है वो 18 घंटे सोता है। तो कभी कभी आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो उसको ध्यान आप लोग रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, डेड सी, मृत सागर क्या है, ठीक है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, ठीक है, पॉइजनस है, ऐसा सागर जो कभी महासागरों और सागरों से, ऐसा सागर जो सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉल्टीस्ट है, ऑप्शन नंबर 2 है ये, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड यहाँ पर मैं आते हैं ऐसा बता रहा है यहाँ पर मैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैं आपका सही होगा डेड सी से रिलेटेड। कम ऑन फास्ट, अब आप लोगों को आई थिंक आवाज बराबर आ रही है, ठीक है।
ओके देखिए मेरे पास में आंसर आना स्टार्ट हो गए, किसने पहला आंसर दिया वो भी मैं देख नहीं पाया, इतना स्पीड से आंसर आ रहे हैं हमारे पास में। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये आंसर पता है। तो देखिए आप लोगों को डेड सी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। डेड सी क्या है? ये जितने भी ओशियन है, जितने भी सागर है, जितने भी महासागर है, उसमें से सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट है, सबसे ज्यादा खारा पानी, ठीक है, सबसे ज्यादा खारा या नमकीन पानी जो है वो यहां पर मैं आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो डेड सी में पूरी दुनिया में जितनी भी वाटर बॉडीज है उसमें से सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर यहीं पे पाया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर में पर लीटर या पर जो है 100 पर 1000 ग्राम कितना सॉल्ट होता है। तो अगर आप 1 लीटर पानी यहां पर में लोगे, आप एक बॉटल लीजिए 1 लीटर की, उसमें 1 लीटर पानी भर लीजिए, तो आपको उस 1 लीटर में से 300 ग्राम तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट मिल जाएगा। ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 लीटर पानी में कितना ग्राम आपको नमक मिलता है। तो 1 लीटर पानी के अंदर में 300 ग्राम नमक मिलता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जितना ज्यादा खारा पानी होगा उतना ही ज्यादा आपको उसमें स्विमिंग करने में आसानी होगी, उतना ही किसी चीज को उसके अंदर में डूबने में मुश्किल होती जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका पानी इतना ज्यादा खारा है कि आप बहुत ही आसानी से इसके ऊपर में स्विम कर सकते हो। इवन आप इन भाई साहब की तरह यहां पर में लेटे लेटे क्या पढ़ रहे, जो भी पढ़ रहे वो पढ़ सकते हो, ठीक है। आप आपकी सीटीटी की और जो केवीएस की किताबें हैं लेकर जाइए, बढ़िया से डेड सी के ऊपर में आराम से आप बैठकर लेटकर पढ़ सकते हो, इतना खारा पानी है वहां का, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। वैसे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता, आगे बढ़ जाता। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा गले को तकलीफ दे रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज शेयर कर देना, चाहे आप लाइव देख रहे हो चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हो। तो डेड सी के बारे में बताइए अभी, मृत सागर क्या है? फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है, कम ऑन फास्ट। अब अ सी हुज वाटर इज पॉइजनस, गलत हो गया। अ सी विच इज सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल ओशियन एंड सीज, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को ब्लर दिख रहा है वो प्लीज अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, आपको बराबर से दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे यहां पर मैं जब मैं मोबाइल में देख रहा हूं तो मुझे बराबर से स्क्रीनिंग आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2015 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत बार बताया कि फूड के ऊपर में हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं हर लाइव सेशन में आपसे कोई ना कोई फूड के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट को आप लोग याद रख लेना। खनम नूर कैसे करेंगे ऐसे? चलिए मेरे पास में आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि ये एक लिस्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, बहुत ही ध्यान से बनाई गई लिस्ट है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं हर बार। मैं पिछले 2 साल से आपको बता रहा हूं कि इसी में से आंसर, इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी में से क्वेश्चन आ भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग याद रख लीजिए कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग कौन से फूड मटेरियल खाना पसंद किए जाते हैं। जैसे हांगकांग के अंदर में सांप खाना पसंद करते हैं, कश्मीर के अंदर में मस्टर्ड ऑयल के अंदर में पकी हुई मछलियों को खाना पसंद किया जाता है, गोवा के अंदर में कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल तेल के अंदर में पकी हुई मछलियां खाना पसंद किया जाता है, केरल के अंदर में टैपियोका और कड़ी मेड ऑफ कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये खाना पसंद किया जाता है, अहमदाबाद और गुजरात के अंदर में ढोकला, चटनी, लेमन, ये सब खाना पसंद किया जाता है, बिहार के अंदर में लिट्टी चोखा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आगे में ये आपसे पूछा जाएगा, लिट्टी चोखा ये आप याद रखना, बिहार में खाया जाता है, जितने भी लोग बिहार वाले हैं बता देना लिट्टी चोखा क्या होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मिजोरम के अंदर में राइस, राइस तो वैसे पूरे इंडिया में खाया जाता है, आसाम, आसाम के अंदर में राइस, टी एंड पीठा, भात, सूखो, लूची, छोला दाल, ठीक है, तो ये सब खाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से याद रखना है आपको, हांगकांग, कश्मीर, गोवा, केरला, अहमदाबाद, बिहार, आसाम, ठीक है, ये सब याद रखिए, इसी पे से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से जगह पर फिश, ठीक है, फिश जो है कोकोनट ऑयल में फ्राई करके खाना पसंद किया जाता है, तो आप लोग देख सकते हो ये खाई जाती है गोवा के अंदर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1, गोवा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि गोवा के अंदर में मछलियों को कोकोनट ऑयल के अंदर में तलकर खाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए, मैं बार 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 आपको ये रिपीट करवाता रहूंगा, तो डोंट वरी आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी 2014 का है,
रेगिस्तानी ओक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में डेजर्ट ओक कहते हैं, के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, डेजर्ट ओक के बारे में सही कथन आप लोगों को चुनना है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज इट्स रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। इसकी जो जड़ें है वो ब्रांचेस में से निकलती है, ठीक है, ब्रांचेस मतलब क्या होता है, टहनियों में से निकलती है, ऐसा बोल रहा है। क्या ये सही है? द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। जब तक ये पानी तक पहुंच नहीं जाती, तब तक ये ग्राउंड के अंदर में जाती रहती है, जाती रहती है। क्या ये सही है? दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक, ठीक है, जो है अपने तने के अंदर में पानी को जमा करके रखता है, ताकि जो है वो अपने जरूरत पड़ने के समय में पानी का इस्तेमाल कर सके। लेकिन पेड़ तो अपने पानी का इस्तेमाल नहीं करता, लोग जो है वहां के आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उसको एक पाइप के जरिए बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको बताना है कौन सा वाला सही है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। नेक्स्ट स्लाइड में, आने वाली कुछ स्लाइड में मैं आप लोगों को रिपीटेड वाला क्वेश्चन दिखा दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते चलिए, और जहां भी आप शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, मैं सभी का आंसर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, लेकिन मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल खानम नूर बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी जस्ट आपको दिखा दूंगा, ये फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, आपको एक और क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डेजर्ट ओक के बारे में आप लोग कुछ नोट डाउन कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डेजर्ट ओक के बारे में लिख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, हमारे दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यहां पर में ये डेजर्ट ओक पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। इसकी जो रूट्स है फ्रेंड्स, ये इसकी हाइट के मुकाबले में, ठीक है, इसकी जो हाइट है उसके मुकाबले में 30 टाइम्स गहराई तक जाती है, 30 गुना गहराई तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ये जो पेड़ है डेजर्ट ओक, ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, और आप लोग जानते हो कि रेगिस्तानी इलाकों में जो पानी है वो बहुत गहराई में मिलता है, इतना आप लोगों को पता है। तो फ्रेंड्स, पानी को हासिल करने के लिए ये जो डेजर्ट ओक है, इसकी जड़ें जो है ये 30 गुना और ज्यादा गहराई में जाती है, ये आपको याद रखना है। इट हैज वेरी फ्यू लीव्स, बहुत कम पत्तियां होती है इसमें, बहुत घनी पत्तियां नहीं होती है, और इसकी जो जो ब्रांचेज है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग सेगमेंटेड होती है, बड़ी मतलब बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेज होती है, जैसे आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे होंगे। ये 10 से 15 फीट ऊंचाई तक जाता है, 10 से 15 फीट, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, 10 से 15 फीट ऊंचाई तक ये जा सकता है। ये इसकी जो जड़ें हैं ये जब तक पानी में जाती रहती है जब तक कि इसको पानी मिल ना जाए, और जब इसको पानी मिल जाता है तो ये अपने ट्रंक के अंदर में, ट्रंक मतलब तने, ठीक है, अपने तने के अंदर में क्या करता है फ्रेंड्स, ये पानी को जमा करके रख लेता है। अब इसके तने के अंदर में पानी जमा है तो आसपास के जितने भी लोग हैं, ठीक है, बस्ती वाले जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, जब भी उनको पानी की जरूरत होगी इस पेड़ के पास आएंगे, एक पाइप डालेंगे इसके तने के अंदर में, और यहाँ से पानी को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आसपास के लोगों की भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, 30 गुना जो इसके हाइट के मुकाबले में जड़े जो है वो गहराई में जाती है, इसकी हाइट 10 से 15 फीट तक जा सकती है, और ये अपना पानी जो है वो ट्रंक में स्टोर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए। तो देखिए, जो अपना क्वेश्चन था वो बोल रहा था, इट इज अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो पॉइंट ए है ये तो बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट जो ऑप्शन 3 है उसके अंदर में पॉइंट ए है ही नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी आप लोग सीख जाइए। उसके बाद में, स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज विच इट्स रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछली स्लाइड में आपको कहीं पे भी नहीं बताया कि इसकी जो जड़े है, ठीक है, उसकी टहनियों में से निकलती है, बिल्कुल मैंने कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया। तो ये वाला पॉइंट जो है वो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आपको पक्का बताया होता, ठीक है, तो ये गलत है। द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डीप इन टू ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। जब तक पानी मिल नहीं जाता तब तक गहराई में जाती है, बिल्कुल सही है। दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक। अपने तने के अंदर में पानी को स्टोर करके रखता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर 2, ए सी एंड डी। कितने लोगों को समझ में आ गया है जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। अब कुछ लोग यहाँ पर मैं बोलेंगे कि सर जल्दी जल्दी आगे बढ़ा करो, कमेंट करके बोलेंगे कि जल्दी बढ़ा करो, लेकिन फ्रेंड्स एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। जिन लोगों को स्पीड में पढ़ने की आदत है ना, वो लोग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके बाद में देख लेना, लेकिन ये कमेंट नहीं करना वहाँ पर कि सर जल्दी जल्दी आगे बढ़ा करो।
स्पेशली ऑफलाइन वाले बच्चे करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए सितंबर 2014 के अंदर में ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया था, ठीक है। 30 सेकेंड का समय है, देखते कितने लोग आंसर देते हैं। रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक, ठीक है, जिसकी जो अपने अपने पानी को जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता तब तक उसकी जड़ें अंदर जाती रहती है, 30 गुना गहराई तक इसकी जड़ें जाती है, ये ट्री कहाँ पाया जाता है, ये आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था सितंबर 2014 में। जल्दी बताइए, लास्ट 10 सेकेंड्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन जरूरी है, एक्सप्लेनेशन जरूरी है, इसीलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, वरना मैं आंसर बता के बहुत आसानी से आगे बढ़ सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टेम्बर 2014 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसमें गाँव के एक छात्र अपने घर के विषय में लिख रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों के एग्जाम में रिपीट हो सकता है, दिसंबर 2019 की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है, हमारे गांव में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 15 फुट मतलब कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं, ठीक है। जो इनके हाउसेज है वो क्या होते हैं, 10 से 15 फीट जो है ऊंचाई पर बने होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है। दे आर मेड ऑन बंबू पिलर्स, ये मजबूत बांस के जो खंबे हैं उनसे बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी से बने होते हैं, ये घर जो है इनसाइड से भी वुड से बने होते हैं। तो बताइए ये घर कौन से इलाके में पाए जाते हैं, या फिर ये जो विलेज है जिसके बारे में बात हो रही है ये कहाँ पाया जाता होगा, कम ऑन फास्ट। चलिए मैं देख पा रहा हूँ आसाम से जितने भी बच्चे वो बहुत खुश है। अजी नाउ क्या क्लियर नहीं है जल्दी से बता दीजिए आप, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ओके तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन थे आपके आंध्र प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, उत्तराखंड। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है असम, ठीक है। नो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार 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 रिपीट होता है, मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखा दूंगा। दीज हाउसेज आर मेड इन दोज एरियाज वेयर दे आर वेरी हैवी रेनफॉल, ठीक है, बंबू और मड, ठीक है, जो जो आपकी लकड़ियां होती है वुड, उससे बने हुए घर, वुड और बंबू से बने हुए घर, ये कहाँ बनते हैं, जहां पर में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बाहरी वर्षा होती है। दीज बंबू एंड वुड हाउसेज आर 3 to 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर होते हैं, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, ताकि ये जो फ्लड आती है वहां पर में बाढ़ आती है उससे बचकर रहे। आप देखिए अगर यहां पर में बाढ़ आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, पानी अंदर घुस जाएगा, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं थोड़ा ऊंचाई पे घर बनाते हैं। आप लोग यहां पर में भी देख सकते हो थोड़ा ऊंचाई पे घर बनाते हैं। These houses are found in Assam and in some other parts of Northeast. Specially Assam के अंदर में इस तरीके के घर पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, घर बंबू से बने होते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर होते हैं। जहां आपने देख लिया कि 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर होते हैं, वहीं पर डायरेक्टली आंख बंद करके आंसर क्या लगा देना आप लोग, आप आंसर लगा देना आसाम को, ठीक है, सॉरी सॉरी यहां पर मैं फ्रेंड्स आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आसाम, नीचे आंसर ये नीचे होना चाहिए था। ओके चलिए तो आसाम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन फरवरी 2016 में रिपीट हो गया। अब आप लोग समझ गए कि क्यों आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन में करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सी जगह पर इस तरीके के घर बनते हैं, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, जल्दी बताइए, मकान की छतें ढालू होती है, बताइए जल्दी से कहां पर बने होते हैं इस तरीके के घर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जहां आपने देख लिया कि घर जो है वो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, वहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा आसाम, ठीक है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसाम लगा देना, जहां आपको 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर दिख गया। ओके चलिए आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया, मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग अब आंसर दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2014 का क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, मतलब अगर यहां दिल्ली है, ठीक है, तो
हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो कि शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किस स्थिति में है दिल्ली के मुकाबले में, विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ दिल्ली। मान लीजिए कि ये दिल्ली है तो हिमाचल प्रदेश कहाँ आएगा और मध्य प्रदेश कहाँ आएगा, दोनों की राजधानी आपको बतानी है कि कौन से दिशा में आएगी। मैं देख रहा हूँ कि कितने लोगों का आंसर यहाँ पर में आता है, थोड़ा टफ है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के क्वेश्चन का, आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। जितने भी लोगों को पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करते चलना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है ये हमारे लिए। और प्लीज़ शेयर करते रहिए, जहाँ आप लोग शेयर कर सकते हो शेयर करते रहिए, चाहे आप लाइव देख रहे हो चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हो। अभी यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करके जितने भी लोग ऑफलाइन देख रहे हैं पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद आगे देखिए, इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू किरण कुशवाहा, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास आंसर आ रहे हैं, जिनको भी नहीं पता घबराना नहीं फ्रेंड्स, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी देर में। विवेक लेल का आंसर आ गया है, खानम नूर, रेशमी रंजन, निकिता झा, स्वाति नायडू, मुनमुन मित्तल का आंसर मेरे पास में सबसे पहला सही आंसर आया है, शेख साहिल का आंसर आया है, ललिता, तनुज बोरा का भी सही आंसर आ गया है मेरे पास में, रेखा रानी का भी आंसर आ गया सही। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ, ये है हमारे भारत का मैप, नीचे का हिस्सा मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है और ऊपर में जूम इन कर दिया है। तो ये है हमारी देश की राजधानी दिल्ली, या ठीक है न्यू दिल्ली। अब फ्रेंड्स न्यू दिल्ली के मुकाबले में आप देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, शिमला, ठीक है शिमला यहाँ पर में है। तो ये कहाँ है बताइए, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो पहले क्या आएगा आपका नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ हिंदी में उत्तर, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये है, तो ये कहां पर में है, ये साउथ में है, देखिए बिल्कुल नॉर्थ और बिल्कुल साउथ में है शिमला और भोपाल, तो फिर आपका क्या आएगा, फिर आएगा आपका साउथ। तो इस तरीके से मैप जो है वो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को मैप दिखाता रहता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में फिट हो जाए। ओके तो आई होप अब आपको मैप से समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है इसका, समझ में आ गया है। आपकी वॉइस रेजिंग वॉइस है, रेजिंग क्या होता है यार, मेरी वॉइस रेजिंग वॉइस कैसे, नहीं समझा। ओके तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पहले उत्तर, ठीक है शिमला जो है वो आपका उत्तर में है शिमला, फिर यहां पर में है आपका दिल्ली और नीचे में है आपका भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ओके आई होप अब आपको समझ में आ गया, जितने लोगों को समझ में आ गया है वो लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। जितने भी लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी आंसर करते जाइए। ओके तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला आर, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से है, कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक, कर्नाटक तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, फरवरी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख भी दिया है, जिन लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा उन लोगों के लिए यहाँ लिख दिया है, देख लेना आप लोग, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना, ठीक है। चलिए बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, गुड गुड, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। फ्रेंड्स पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए और लेकर आऊँ, शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने अब तक लाइक कर दिया है। अच्छा सर आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा शेख साहिल को अब मैप समझ में आने, गुड शेख, कोई डाउट हो आपका तो पूछ लीजिए। सुनीता शर्मा जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे नहीं आपको समझ में कैसे आएगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आप उस लेवल का पढ़ पाओगे। ओके तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है। थैंक यू शेख साहिल। लता गुप्ता आज का दिन कौन सा है, आई थिंक गुरुवार है आज, थर्सडे, तो हर थर्सडे के दिन मेरा क्लास 6 बजे रहता है ईवीएस का। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड बिल्कुल शोएब पटेल, आप सोशल साइंस वाला मेरा लेक्चर देख लेना जो मंगलवार के दिन होता है, उसमें मैं बिल्कुल एक दिन समझा दूंगा।
और किसी को कोई डाउट है? आर्मी स्कूल का पैटर्न पूजा सिंह, अभी फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पता करके आपको बता दूंगा, या फिर आपको जो नंबर दिया गया है ना उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, वहाँ आपकी मदद कर दी जाएगी। पूजा गंगवार, बिल्कुल मैं मैप से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। थैंक यू निधि गुप्ता तारीफ करने के लिए, थैंक यू शेख साहिल, हरियाणवी छोरी थैंक यू, पूजा पॉल, हर आज का दिन कौन सा है, गुरुवार, हर गुरुवार के दिन 6 बजे, सीटेट पेपर 2 के लिए कल होंगी, हर हर शुक्रवार के दिन 6 बजे, निकिता झा बिल्कुल जल्दी ही DSSSB के लिए भी लाइव क्लासेस में स्टार्ट करूंगा। थैंक यू कृति, थैंक यू संजना कुमारी, थैंक यू वेरी मच तारीफ के लिए, थैंक यू अनिकेत, हाँ खानाम आपका टाइम हो गया, बिल्कुल आप जाइए, ऑल द बेस्ट। हमारे हमें भी दुआ में याद रखना, हम सभी के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का जो है भला हो, उसके आप प्रे कर देना। हाँ विवेक लाल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, नमस्कार चंदन, हरियाणवी छोरी थैंक यू, सुनीता थैंक यू पढ़ाने के लिए, हरियाणवी छोरी अच्छा, थैंक यू वेरी मच जितने भी लोगों ने लाइक कर दिया है। विवेक लाल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो आपका डाउट है वो बिल्कुल सही है, थैंक यू संजना कुमारी, हर गुरुवार के दिन 6 बजे EVS Paper 1। सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू पूजा गंगवार, थैंक यू वेरी मच, जब भी मुझे ऐसा कोई बोलता है ना सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मैं कमेंट सेक्शन भी देखता रहता हूँ, वहाँ डिस्कशन फोरम जो कोर्स का है वहाँ भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो मैं शर्मा जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सभी का, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मैं कमेंट खत्म ही नहीं हो रही, इतने सारे कमेंट है। रिवर्स भी बिल्कुल पटेल, मैं बिल्कुल रिवर्स भी करवा दूंगा, डोंट वरी, मैप भी करवा दूंगा। शेख साहिल बोल रहे हैं सभी लोग लाइक कर दो, यार शेख साहिल की बात सुन लो, सभी लोग लाइक कर दो। विवेक लाल आपका आंसर कर दिया है मैंने, आपका डाउट बिल्कुल सही है, उसे कहा जाता है। थैंक यू विवेक, अच्छा पूजा पॉल बोल रही है कि 100 लाइक्स, 100 लाइक्स हो चुके हैं क्या? चलिए और कोई डाउट हो आपका तो बता दीजिए फ्रेंड्स, मुझे कोई डाउट हो आपका। अच्छा किरण कुशवाहा बोल रहे कि सर आपका फेस देखने नहीं मिलता, तो बिल्कुल मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दिखते हुए पढ़ा सकूं, क्योंकि पूजा बहुत ज्यादा काम होता है तो इतना ज्यादा मेरे पास समय नहीं होता कि मैं वो पीछे में कैमरा लगा के इतना ज्यादा स्टार्ट कर सकूं। कप्पा चौहान आपका मैसेज नहीं मिला, प्लीज एक बार फिर से लिख दीजिए, थैंक यू वेरी मच सभी को। ममता मलिक बिल्कुल एक सीरीज बना देंगे EVS की, जल्दी ही एक EVS की सीरीज स्टार्ट करते हैं हम। शाजिया सबनम आपका आंसर नहीं दिखा मुझे, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप सभी के डाउट अब क्लियर हो चुके हैं, अगर मैं किसी का कमेंट ना पढ़ पाया हूँ तो माफ़ कर देना, क्योंकि कमेंट इतने स्पीड से मेरे पास ऊपर जा रहे हैं, आपके पास शायद ना जा रहे हो बट मेरे पास लाइव कमेंट आते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं कमेंट, ठीक है? तो मैं अगर ना पढ़ पाया हूँ तो नेक्स्ट लाइव सेशन में आप लोग पूछ लेना, हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पूजा। अच्छा अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास में, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इतना तेज़ी से जो कमेंट जा रहे हैं ऊपर, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।